लेकिन मैं फिर इस बात के लिए आप लोगों को एक बार मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप लोग इनसे कुछ सीखिए। मैं बार बार एग्जांपल जो लेता हूँ क्लास में कि निकी ऐसी थी, निकी वैसी थी, निकी ऐसा करती थी, वैसा करती थी, उसके पीछे का रिजल्ट, उसके पीछे मैं ऐसा क्यों बोलता था, वो यही था क्योंकि मेहनत जो है ना, हार्ड वर्क जो है, ये सबसे बड़ी कुंजी होती है आपकी सफलता की। अगर आप उसको से पीछे हट रहे हैं, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे। अगर आप हार्ड वर्कर हैं, इसका मतलब आप सही दिशा में जाएंगे। ब्रेन या ब्रिलियंसी जिसको कहते हैं साथ में आईक्यू, तो वो सबके पास लगभग में इक्वल होता है, एवरेज नहीं होता, लेकिन उस इक्वल आईक्यू को जो यूटिलाइज कर लेता है, यूटिलाइज आईक्यू को कैसे होता है, मेहनत से, हार्ड वर्क से। अगर आप यूटिलाइज कर लेते हैं तो आगे चलकर कि आप एक अच्छे जगह, एक अच्छे मकाम पर होते हैं। ठीक है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दिया जाए आपका आने वाले बच्चों में, इससे भी अच्छा रैंक लाएंगे, इससे भी अच्छा वो मकाम हासिल करेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।